दोस्तों, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ प्रयागराज एक प्राचीन नगर है। दोस्तों, कुछ समय पहले इस शहर का नाम अलाहाबाद था, उसके दौरान इस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। हाय दोस्तों, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले प्रयागराज से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। शहर का प्राचीन में नाम प्रयाग था, कुछ समय चलते हुए इलाहाबाद हो गया था, उसके दौरान फिर इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आते रहे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज की भौगोलिक स्थिति का जिक्र अवेन सांग ने 644 ईस्वी में यात्रा करते समय किया था। सूत्रों के अनुसार माना जाता है उस समय प्रयाग एक संगम के अति निकट बसा हुआ था। कुछ समय पहले गंगा की बाढ़ के कारण प्रयागराज नष्ट होकर एक बहुत ही छोटा हो गया था। 1583 ईस्वी के आसपास अकबर ने इस नगर को बसाया था, तभी अकबर ने इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा था। उसके दौरान प्रयागराज के संगम पर अकबर ने किले का निर्माण भी करवाया था। सन 1801 में प्रयागराज पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, तभी अंग्रेजों ने किले के पश्चिम दिशा में यमुना तट पर अपनी छावनियां भी बनाई थी, जिसमें कई आंदोलन हुए। इसके बाद सन 1857 के गदर में छावनियों को नष्ट किया गया था, जिसके कारण प्रयागराज को बहुत ही क्षति पहुंची थी। गदर के बाद 1858 में इलाहाबाद को उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी भी बनाया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद का अत्यंत योगदान रहा है। इसके चलते हुए यहाँ से अनेक स्वतंत्रता आंदोलन भी शुरू किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव 1885 में इलाहाबाद में ही रखी गई थी। महात्मा गांधी ने 1920 में अपने अहिंसा आंदोलन को इलाहाबाद से ही शुरू किया था। इसके चलते हुए प्रयागराज आज घूमने के मामले में भी किसी से कम नहीं है। प्रयागराज में यमुना नदी पर केबल आधारित झूला पुल जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा सरस्वती घाट पर बोट क्लब जो कि शहर की गरिमा को बढ़ावा देता है। इस शहर को शिक्षा और साहित्य की धरोहर भी कहा जाता है। इस शहर से अत्यधिक मात्रा में साहित्यकार हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे इसी शहर से ही साहित्यकार थे। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम जो कि पूरी दुनिया में अत्यंत मशहूर है, यह गंगा यमुना और सरस्वती नदी के मिलन पर है। इस संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ का मेला लगता है, जो कि 12 वर्ष में एक बार पूर्ण रूप से और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का मेला लगता है, जिसमें लाखों की मात्रा में लोग यहां पर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। पौराणिक धार्मिक आस्था के चलते हुए संगम सबसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, प्रयागराज आने वाला हर सैलानी सबसे पहले गंगा यमुना नदियों के संगम पर जाना पसंद करता है। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले ब्रिज से नीचे किले तक पहुँचना पड़ता है। संगम के नज़दीक जाने के लिए नाव में बैठकर भी जाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ का किला सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर संगम घाट पर स्थित है। प्राचीन किले का निर्माण सम्राट अशोक और औरंगजेब ने करवाया था। ये किला अब सेना के अधिकार में है। वहाँ पर जाने के लिए अनुमति पत्र लेकर जाया जाता है। इसके अलावा प्रयागराज में खुसरो बाग जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, इस बाग का निर्माण जहांगीर के पुत्र खुसरो ने करवाया था। इसके अलावा मिंटो पार्क और सरस्वती घाट, मिंटो पार्क के पास स्थित है सरस्वती घाट। इसके अलावा प्रयागराज का आजार पार्क जो कि सबसे मशहूर है, ये प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजाद पार्क को अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इसी पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इस पार्क में चंद्रशेखर आजाद का स्मारक भी बना हुआ है। इसके अलावा इलाहाबाद का म्यूजियम, संगीत समिति, भारद्वाज आश्रम, आनंद भवन और नेहरू गार्डन जो कि अत्यंत प्रसिद्ध और घूमने लायक सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। तो आपको बताना चाहेंगे, प्रयागराज खाने के नाम पर भी मशहूर है। पूरे भारत में यहाँ पर कचौरी, लस्सी, रसगुल्ला, भोजपुरी मिठाइयों के साथ साथ यहाँ का पान अत्यंत मशहूर है। प्रयागराज शिक्षा के क्षेत्रों में भारत के बढ़ते हुए शहरों में से एक माना जाता है। पर कई बड़े कॉलेज हैं, यहाँ पर छात्र अपनी पढ़ाई के लिए लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ पर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि भारत की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। यूनिवर्सिटी आनंद भवन से 1 किलोमीटर दूर 1857 में इसे स्थापित किया गया था। अलाहाबाद कॉलेज जो कि भारत की सबसे पुरानी कॉलेज में से एक मानी जाती है।
तो प्रयागराज की खास बात यह है कि यहाँ पर भारत के 16 प्रधानमंत्री में से 7 प्रधानमंत्री केवल प्रयागराज से थे, जिसमें से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि प्रयागराज से थी। प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इस कोर्ट में दुनिया के सबसे अधिक जज रहते हैं। इस शहर से भारत के मशहूर कलाकार अमिताभ बच्चन भी प्रयागराज से है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाला शहर है। इस शहर की जनसंख्या लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा है। प्रयागराज भारत के सबसे अच्छे शॉपिंग शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर प्रयागराज का प्राचीन मार्केट जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रयागराज के पुराने बाजार का कपड़े, जूते, रजाई अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रयागराज में कई शॉपिंग मॉल्स है जो कि अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार प्रयागराज प्राचीन काल से आज तक दुनिया के साथ साथ भारत देश का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको प्रयागराज के बारे में कैसा लगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।